अलैकुम, मेरा नाम है उस्मान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उस्मान खाल 003। आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बकरों के मुंह खुल गए, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। अरे देखे जी, मुंह खोल के कैसे सांस ले रहा, 3-4 दफ़ा नहलाने के बाद भी गर्मी का कोई हाल नहीं। मुर्गियों ने भी मुँह खोला हुआ है तो अब सीलो को सुबह से खोल दिया, गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो उनको खोला हुआ, इनको करते हैं बांध। ये देखें मुँह खोले हुए इन्होंने, ये देखें पार खोल के मुँह खोल के खड़ा हुआ, इनको करते हैं बंद। तो बाकी हीरे वगैरह को खोलते हैं, जैपनीज़ को खोलते हैं, उसके बाद कबूतरों वगैरह को खोलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ लग के मैंने खुला बर्तन रखा है ताकि बैठना भी चाहें बीच में बैठ के, पानी इनको बार बार ठंडा भर के रख रहा हूँ ताकि इनको गर्मी ना लगे, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखे जी, इनको बंद किया, जाके दाना खाने लग पड़े। तो अब खोलते हैं जैपनीज़ को, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि इनको छाँव में बांधे। नीचे ले गया था मैं इसे सुबह सुबह, खाना बकरे को बड़े को और माड़ू को नीचे मैंने खिलाया, जो खसी बकरा और ये। तो ये देखे कैसे हिल रहा है अभी भी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इन्हें। तो इसको मैं नीचे ले गया, नीचे बोलने लग पड़ा था, फिर मैं ऊपर ले आया। तो अब शाम का थोड़ा सा टाइम हुआ है तो अब फिर भी थोड़ा सा सुकून में, नहीं तो दोपहर में तो बहुत ज़्यादा इसे गर्मी लग रही थी। तो इसे मैंने नहलाया एक दफ़ा सुबह, नहलाया फिर नहर पे नहला के लाया हूँ, फिर आके फिर नहलाया। तो हल्का हल्का पानी का छट्टा इस पर मार रहे हैं ताकि इसे गर्मी ना लगे, और जितना बड़ा जानवर होगा उतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। ये देखें कैसे सांस ले रहे हैं, हालांकि पंखे में रखा इसे, फिर भी कोई चक्कर नहीं। बेसन शक्कर वाला पानी पिलाया, इससे खुराक भी जानवरों ने कम की है गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से। ये देखें नहीं, जब फिर रहे हैं जाके चूज़ों वगैरह को खोलते हैं, उसके अलावा फिर कबूतरों को खोल कर उनको खाना वगैरह खिला के फिर बंद करते हैं ताकि वो नहा लूँ लें। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, 2 दिन से तो टका गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से देखें नज़ला भी होने लग पड़ा। ले जी, हीरे को मैंने खोल दिया इधर से, अब ये भी रेडी हो गया बाहर आने के लिए, तो इनको भी खोल देते हैं। ले जी, आज इससे फिर नहीं बाहर आया जा रहा, इससे इसको पकड़ के लगता है निकालना पड़ेगा। ये देखिए अब ये थोड़ा बहुत फिल्टर लेगा, बाकी ये देखे माशाला फेर रहे हैं, पानी वगैरह खाने देते हैं काफ़ी। पीछे हम चलते हैं, पीछे जाके देखें क्या सूरत हाल है। देखे जी, इनके पास पानी दाना अवेलेबल है, फिर भी मुर्गियों ने मुँह खोला हुआ, शदीद गर्मी है। इधर भी देखते हैं क्या सूरत हाल है, बैंटम को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती होगी। और माशाला आज पोलिश ने अंडा दिया काफ़ी दिनों बाद, तो इसका अंडा पकड़ लेते हैं अभी, इनकी सूरत हाल देखें क्या। इनके पास भी पानी वगैरह है तो हम माशाल्लाह माशाल्लाह 2 अंडे आज पड़े हैं, पता नहीं किस मुर्गी ने दिए, तो ये हम उठा लेते हैं। इनको कुड़क मैंने आपको कहा मैंने नहीं बिठाना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, तो पॉलिश का भी अंडा उठा लेते हैं, फिर चलते हैं चूज़ों के पास, उनका देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी, पॉलिश का अंडा भी हमने उठा लिया, अब इनका करते हैं लॉक और हम लोग चलते हैं। इनका ताला मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, तो ढूंढ के लगा के, ये रहा जी इनका ताला, ताला लगाते हैं, अब चलते हैं चूज़ों के पास, उनको भी करते हैं बंद थोड़ी देर तक, उनको पहले देखने फिर रहे हैं सही तरह। मैंने भी आज गर्मी से मुँह खोल लिए थे तो इनको मैंने हल्का सा पानी का छिट्टा वगैरह मार के जो फ्रेश हो गए थे, इसके इन पर ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये अपना हीरा अंदर चला गया, इसे निकाल लेते हैं बाहर। और वाइट जैपनीज भी छोटी वाली मेल जो है वो भी मेरे ख्याल से बाहर ही आया था, वो देखें इनको फिरने देते हैं। तो कबूतरों के दाना मैंने रात के लिए जो रखा हुआ ऊपर वो ये रहा, तो इनको दाना डालते हैं कबूतरों को थोड़ी देर तक। ये कुंडे में से जो दाना है ये उठा देते हैं, गीला हुआ है तो इसमें दाना डाल के कबूतरों को खोलते हैं। दाना डाल दिए, इसे मैंने फिल इसलिए नहीं किया क्योंकि कबूतर जब चोंच मारते हैं ऐसे तो बाहर बहुत ज़्यादा दाना ज़ाया होता है, इस वजह से थोड़ा सा डाला है, ये खा लेंगे फिर इनको और मिल जाएगा। ये देखें आधा मैंने रखा हुआ है, तो इनको 10 मिनट तक बंद करते हैं फिलहाल, पहले जैपनीज को बंद कर रहे हैं, देख लेते हैं 10 मिनट उनको। ये देखें कैसे चूज़ों ने मुँह खोले हुए, ये हवा का ज़रा भी नामो निशान तक नहीं है, तो जैपनीज अंदर जाने की कर रहे हैं, तो इनको करते हैं बंद। फिर बकरियों को आज दाना वगैरह नहीं डालेंगे, गर्मी काफ़ी हुई भी है, तो सिर्फ दाना उनको तूड़ी चोकर मिक्स करके डाल देंगे। आजकल मैं सतलुज का मंडा डालना बंद कर दिया, तो इनको गंदम डाल रहा था भिगो के। ये देखें कितनी बुरी हालत है इनकी, मुर्गी तो चलेगी, अब मुर्गा भी जाने का सोच रहा, ये भी चला गया, तो इनको करते हैं बांध। ये देखना फौरी पानी पीने आएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है,
जितना मर्जी दफ़ा इनको खोल लो, ये देखें पानी पीने आ गए। 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बाहर निकाले हैं और आके आते ही पानी पीना शुरू कर दिए। तो अब इसके बाद चूज़ों को बंद करते हैं, फिर कबूतरों को खोलते हैं। उनको काफ़ी देर खोलना पड़ता है क्योंकि उन्होंने दाना वगैरह खाना होता है। फिर हमारी नहर हालांकि हमारे घर के बिल्कुल पास है, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री के उस तरफ ये आपको हल्का सा वाइट वाइट सा ब्लू ब्लू सी टंकी नज़र आ रही होगी, इसके साथ ही बिल्कुल नहर है हमारी। तो नहर से हम जो लेके गए थे इनको नहला के, वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा छोड़ा है। नहर के इर्द गिर्द जो घास लगी थी वो खा रहे थे। तो इसके अलावा फिर आते हुए इनसे चला ही ना जाए, इतनी गर्मी, मुँह खोल लिया आके, फिर इनको पानी पिलाया दोबारा बेसन चक्कर वाला, फिर नहला के इनको खड़ा किया। छतरों को तो नहीं खैर मैंने नहलाया क्योंकि सूखते ही नहीं है, इनको बड़ी देर लग जाती है सूखने में, लेकिन ये माशाल्लाह साफ है। बकरों को ज़्यादा गर्मी लग रही थी, छतरे होते हैं सख्त, जान यहाँ पे चल जाते हैं, बकरियाँ मुश्किल होती हैं। आगे से इंशाल्लाह बकरियों का सेटअप कम कर देंगे और छतरों पर ही ज़्यादा जोर रखेंगे। मोबाइल मेरा हो गया था हीटअप, तो जिस वजह से मैंने चूज़े वगैरह बंद कर दिए, वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप कबूतर खोलते हैं, इसकी ईंटें भी नहीं लगाई, इसकी ईंटें भी लगा लेते हैं नहीं तो बकरियाँ खोल के दाना खा जाती। तो ये कबूतर पहले ही बावला हो गया बाहर आने के लिए, तो इनको खोल ये देखिए अभी आएंगे सीधा दाना वगैरह खाएंगे, उसकी हम इतनी देर ईंटें वगैरह लगा लें नहीं तो बकरियाँ ये खोल लेती हैं। ले जी ईंटें वगैरह लग गई हैं, तो अब इनको लगा लेते हैं कबूतरों को, ये आके दाना वगैरह खा लें। ये कबूतरों को दाना डाल दिया, खा रहे हैं सारे, तो अभी निकले हैं आहिस्ते आहिस्ते, दाना वगैरह खा लेंगे ये। हम चलते हैं बाहर, बाहर जाके बकरियों को खुरलियाँ वगैरह साफ करें ताकि उनको खाना डालें। अब भाई ये बच्चों का टापर साफ़ कर देते, इसमें बचता ही थोड़ा बहुत है, बाकी खा पी लेते हैं, इसको करते हैं साफ। तो साफ़ करने के बाद फिर इनको थोड़ी देर तक खाना डालते हैं। खुरली हो गई है साफ, उधर से टाप भी साफ़ हो गया, और कबूतरों को देखते हैं उन्होंने कितना को दाना खाया, उनको दाने की ज़रूरत तो नहीं। जी मेरा पोलिश का अंडा इतना कच्चा था मेरी जेब में टूट गया, ये देखें। तो अभी मैंने धोया जेब, तो ये गीला गीला फील सा हुआ, फिर मैंने निकाल के बाहर रखा। इनका अंडे बड़े कच्चे होते हैं, बच्चे ही नहीं निकलते हैं। ये देखें छिलके की आवाज़ कैसी आएगी, हल्की से छिलकी सी होती है समझे। तो ये मैंने यहाँ पर निकाल के रखा, वो चूंटियाँ आने लग पड़ी, फिर मैं चलो चूंटियाँ खा लेंगी। तो कबूतरों को अब देखते हैं, काफ़ी देर हो गई है कबूतर को खुले हुए, दाना वगैरह कम तो नहीं हुआ, मैं उसके बाद गया ही नहीं अंदर। शदीद किस्म की गर्मी है, मैं आया हूँ तो डर के बेचारे उठ गए, नहा रहे थे, तो दाना वगैरह इन्होंने आज थोड़ा ही खाया, नहाने में मसरूफ़ थे तो इनको नहाने देते हैं। तो अब हल्की सी हवा चली है, काफ़ी हिल रही होगी क्योंकि एकदम से अंदर से बाहर आए ना तो फील होता है हवा चल रही है, लेकिन दरख्त वगैरह नहीं हिल रहे, यहाँ से हल्की सी हवा आई है बस। देखे जी मैं हल्का सा बाहर हूँ तो फिर आके नहाने लग पड़े, और मैं दोबारा अंदर को आया तो 2-4 कबूतर निकल गए जो उधर को बैठे हुए, ये देखे अब डर रहे हैं। तो इनको नहाने देते हैं, दाना वगैरह ये खा लेंगे थोड़ी देर में। दाना मैंने हीरे को डाल दिया, कबूतर बंद कर दिए काफ़ी देर बाद, तो दाना इनका मैंने थोड़ा सा रख लिए साइड पर, क्योंकि अगर थोड़ी देर बाद अगर खोलूँगा तो डाल दूँगा, नहीं तो ये नहाने में मसरूफ़ थे, आज इन्होंने दाना थोड़ा ही खाया। तो अब चलते हैं नीचे, थोड़ी देर नीचे बैठते, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद बकरियों का खाना बना के ऊपर आएंगे। मंडी लगने वाली है तो तंबू शंबू स्टार्ट हो गए, वो छतरे वगैरह आने शुरू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह जब मंडी लगेगी तो आपको मंडी का भी विज़िट कराएंगे। अभी तो स्टार्ट हुई है तंबू वगैरह लगने, तो इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगाएंगे इधर। ये देखें बकरियों का खाना डाला है, बकरियाँ खाना खा रही हैं, सूरज डूब हो गया, मगरिब के अजाने होने वाली हैं, बच्चे भी इधर खा रहे हैं सुकून से खाना। बाकी मैं सारे जानवरों को देख गया था आप लोगों के सामने, पहले आप लोगों ने देख लिया होगा, ये देखें अब ये खाना खा रही हैं, खाते रहेंगे सुकून से। बस वो बकरे को बांधा, वो थोड़ा सा तंग कर रहा था, कभी इधर भाग के आ रहा था, कभी उधर जा रहा था, बकरे तंग हो रहे थे, जैसे छतरा जा रहा है उधर जा कर उनको तंग करेगा, वो इधर आएँगे, फिर भगा रहा था, इसलिए मैंने उसे बांध दिया। बाकी ये लगे हुए खाने, ये पसंद है ये तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।